नमस्कार, डिलीशियस तड़का में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पोहा, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। उसके लिए हमें चाहिए 200 ग्राम पोहा, एक प्याज बारीक कटा हुआ, एक आलू मैंने बारीक काट लिया है इस ढंग से, थोड़ी सी भुजिया, 2 पिंच हींग, मूंगफली को भी मैंने थोड़ा सा लेके उसे फ्राई कर लिया घी में, धनिया कटा हुआ, एक टमाटर बारीक कटा हुआ, 2 पिंच अजवाइन, 1/2 टीस्पून मैंने राई ली है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, एक हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, एक नींबू, नमक आप स्वाद अनुसार लीजिए, मैंने 1/2 टीस्पून लिया है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 गरम मसाला पाउडर। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हम सबसे पहले पोहे को गीला कर लेंगे। अच्छे से गीला करना है, हाँ, पानी से इसको इस ढंग से पानी डाल के गीला करेंगे। छन्नी में उसे पलट लेंगे, जो सूखा वाला फिर आया ऊपर उसे भी अच्छे से गीला कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से गीला हो गया है, एक बॉटल हमारा पानी लग गया है इसमें, और जो एक्स्ट्रा पानी है वो नीचे चला गया है। चलिए इसे बनाते हैं। हम कढ़ाई ले लेंगे, ऑन करके उसमें 2 स्पून ऑयल डालकर गरम कर लेंगे, 2 चम्मच ऑयल। ऑयल गरम होने से हम डाल देंगे हींग, फिर डालेंगे राई, राई भी फूल के ऊपर आ रही है। अब डाल देंगे हम अजवाइन और इन सबको मिला लेंगे। उसके बाद हम आलूओं का पानी निकाल कर, जो कटे हुए मेरे आलू हैं उनका पानी निकाल कर उन्हें थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक, वो थोड़े गल जाएं। हाँ, ये हो गए हैं। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे, सिर्फ उसका कच्चापन ही दूर करेंगे, हल्का सा भुनेंगे तेज गैस पे ही। ये देखिए ये भी हो गया है। अब इसे स्लो कर हम इसमें डालेंगे नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची और ये गरम मसाला, हरी मिर्ची भी कटी हुई डाल देंगे, और अब टमाटर कटा हुआ डालेंगे और इन सबको 1 मिनट तक मसाले मिक्स करने का, टमाटर भी गल जाए 1 मिनट तक भून लेंगे। ये हो गया। अब हम तेज़ कर लेंगे गैस को। अब इसमें हम जो नींबू है हमारा एक, उसको अच्छे से उसका रस, हाँ, निकाल के इसमें डाल देंगे, स्क्वीज कर दें नींबू को भी, और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, हाँ, जिससे अच्छे से मसाले मिक्स हो जाएं। ये मिक्स हो गए हैं। अब इसमें मैं पोहा डाल देती हूँ, उसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे 1-2 मिनट तक, अच्छे से मिक्स कर लें, 1 से 2 मिनट लगेंगे इसे अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए मिक्स हो गया। अब इसमें हम जो तली हुई मूंगफली है वो डाल देंगे, ये भी बहुत अच्छा फ्लेवर देती है, और साथ में हरा धनिया। अब इसे भी हम तेज आंच करके मिक्स कर लेंगे। देखिए अब बंद कर गैस, मैं इसमें थोड़ी सी भुजिया डाल दूंगी, हाँ, जिसमें बहुत अच्छा क्रंच आता है। देखिए चलिए इसे सर्व करते हैं। ये देखिए हमारा पोहा तैयार है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।